name is Jiggy Singh from SBS Polytechnical. The subject name of principles of communication are, और सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is communication. एक्चुअल में कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया और कैसे बना. कम्युनिकेशन इज एक्चुअली ए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. तो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, हम पिक भी सेंड कर सकते हैं, डाटा भी सेंड कर सकते हैं और कोई भी म्यूजिक. ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस के सेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक बंदा सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, तो जब हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. एंड नेक्स्ट इज एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जो सेंडर से रिसीवर तक जाती है. तो उसके लिए हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कि इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे काम करता है और कौन कौन से उसमें ब्लॉक्स लगे होते हैं. तो उसमें सबसे पहले है इनपुट इनपुट ट्रांसड्यूसर. सेकंड वन इज ट्रांसमीटर. थर्ड वन इज कम्युनिकेशन चैनल. फोर्थ वन इज रिसीवर एंड लास्ट वन इज आउटपुट ट्रांसमिशन. और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास भी कोई लाउड स्पीकर वगैरह. तो इस ब्लॉक डायग्राम को वन बाय वन में एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने. सबसे पहले है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, जैसे यहाँ मान लो हमारे पास कोई भी है, म्यूजिक है, म्यूजिक सिग्नल है या कोई पिच है या कोई कंप्यूटर डाटा है, तो हम उसको एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह नहीं सेंड कर सकते. तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इनपुट ट्रांसड्यूसर की, जो कि हमारा किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट्स करेगा इलेक्ट्रिकल में. वो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो डाटा है वो म्यूजिक पिक है या कंप्यूटर डाटा कुछ भी हो, हमारा एज इट इज सेंड नहीं होगा, तो उसे हम सबसे पहले हमने नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इनपुट ट्रांसमिशन की, यानी कि इसने जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक आता है ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर का क्या काम है, इसमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है. ठीक है, तो ट्रांसमीटर में हमारे पास मिक्सर और ऑसिलेटर्स वगैरह ये सब लगे होते हैं. इस सब की कॉम्बिनेशन की मदद से हम जो है डाटा को वो ट्रांसमिट करते हैं, आगे फर्दर ट्रांसमिट करना होता है. नेक्स्ट है हमारे पास चैनल. ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल होता है पाथ जो है हमारा, कि सिग्नल कौन सा पाथ फॉलो करेगा जब वो ट्रैवल करेगा. तो जब कौन सा पाथ फॉलो उसने करना है, वो दो तरह के हमारे पास पाथ हो सकते हैं, एक वायर्ड हो सकता है और दूसरा हमारे पास पाथ है जो वायरलेस भी हो सकता है. ठीक है, वायरलेस और वायर्ड में आप जानते हैं कि जैसे कोई भी केबल हो गया, वायरलेस में कोई भी, जैसे मान लो कि हमने कोई ईएम सिग्नल हो गया, ये सारे जो है वायरलेस में आते हैं. ठीक है, वायरलेस के सिग्नल में हम सेंड करते हैं. और नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास रिसीवर. रिसीवर का क्या काम है, जो यहाँ से हमने डाटा सेंड किया है, तो रिसीवर ने क्या करना है, उसको डीमोडुलेशन करनी है, उसको डीमोडुलेट करना है. ठीक है, और इसमें जो है अगेन ऑसिलेटर्स मिक्सर्स लगे होते हैं जो सिग्नल को डीमोडुलेट करते हैं. ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास, जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था. और यहाँ पे फिर से हम उल्टा करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो वापस उसको हम नॉन इलेक्ट्रिकल में
जब नॉट करेंगे ताकि जो हमारे पास जो है सिग्नल वो दोबारा से फिर वही फॉर्म में आ जाए जो हमें एक्चुअल में चाहिए। और लास्ट में जो लाउड स्पीकर है, लास्ट में जो लाउड स्पीकर है उसके पास हमारे पास वार है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमने किसी को कॉल की तो हमारे पास वॉइस सिग्नल है, ठीक है, तो वॉइस सिग्नल हम फोन के थ्रू या ट्रांसमिशन के थ्रू एक EMW के सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने फर्दर आगे हमने चैनल पे ट्रांसमिट किया तो वो हवा के थ्रू वायरलेस होते हुए हमारे पास रिसीवर पे पहुंचा। रिसीवर पे क्या किया हमने, डीमॉड्यूलेशन की, उसके बाद में लास्ट में आउटपुट ट्रांसमिशन उसको दोबारा अगेन जो है वो इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, लास्ट में जो हमें साउंड सिग्नल है वो रिसीव हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स हैं फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी बच्चों ने ये अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो